हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वैसे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि आप किस तरीके से स्टडी करके आप अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में ला सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो नोट्स के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी कई महीनों से मैं बोल रहा हूँ, कई हफ्तों से मैं बोल रहा हूँ, नोट्स काफी लोगों ने परचेस करा भी है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि ड्यू टू अनअफोर्डेबिलिटी वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू लैक ऑफ इनकम और एनीथिंग। तो अभी जो है प्राइसेस बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दी गई है ड्यू टू की एग्जामिनेशन अब काफी नजदीक आ गया है। तो टाइम बेनिफिट जो एक मिलता है बंदे को वो नहीं मिलेगा, तो उसके कारण से प्राइसेस जो है वो रिड्यूस है। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो हमारे नंबर पे, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, और जो बेल आइकन है उसको दबा दो ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी तो आपको वहां पे समझ में आएगा कि मैट्रिक्स में सारी चीजें जो है वो उलट पुलट है। एक चीजें दूसरे में मिली हुई है, दूसरी चीजें तीसरे में मिली हुई है, चीजें जो है आपस में एक तरीके से बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, सो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करती है और डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती है, और उसकी जो भी कैलकुलेशंस होंगी, जो भी चीजें होंगी, वो एक तरीके से वो लोग साथ में मिला करके कंसोलिडेट करके करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट अलग अलग होगा, उसकी कैलकुलेशन भी अलग अलग होगी, लेकिन जो उसका फाइनल आउटपुट होगा, जो फाइनल कंसोलिडेशन होगा, वो एक तरीके से कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में तैयार होगा। सो मैट्रिक्स का मतलब होता है वही चीजें। ठीक है, चलो फिर देख लेते हैं इसका, मैं थोड़ा कलर कर लेता हूँ। यस, इट कंटेन्स कंबाइन ऑफ एडवांटेजियस एंड ऑटोनोमस प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। ठीक है ना, तो ये दोनों तरह के एडवांटेज जो है चीजों को कंबाइन करता है। एक तो आपका जो एडवांटेजियस ऑटोनोमस प्रोजेक्ट है उसको भी कंबाइन करता है, साथ ही साथ जो आपकी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है कि आप इस काम को करते हो, है ना, उस काम में आपकी स्पेशलिटी है, तो वो उस चीज को भी ऑर्गेनाइज करता है, मतलब उसमें इंक्लूड करता है। इन दिस स्ट्रक्चर फंक्शनल डिपार्टमेंट आर हैविंग फुल टाइम स्पेशलाइज्ड वर्कर्स टू एकोमोडेट एंड आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग मोर देन वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम, है ना। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स होते हैं, यहाँ पे एक तरीके से जो लोग काम करते हैं वो बहुत ही स्पेशलाइज होते हैं अपने काम को लेकर के, साथ ही साथ वो केपेबल होते हैं वो किसी भी काम को करने के लिए, मतलब आप चाहो तो एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट से ज्यादा भी काम उनसे करवा सकते हो, या वो लोग करते भी हैं। ठीक है ना, वो स्पेशलाइज होते हैं इस मामले में। तो ये एक यहाँ पे बात बोली गई है। ठीक है, this is found suitable as the organization is most of the time engaged in the project activities and the managers are also more in number and can accomplish the project work effectively, है ना। तो ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सूटेबल भी माना जाता है, बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन अगर एक ही प्रोजेक्ट में सारा साल अगर इन्वेस्ट कर देगी तो बाकी सारे फिर उनका इनकम कैसे होगा, राइट। हर एक बंदा जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है, फिर कोई भी एंटरप्राइज स्टार्ट करता है, तो उसका मेन मोटिव होता है अपने क्लाइंट बेस को बढ़ाना, अपने बेनिफिट्स को बढ़ाना, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, राइट। सो इसके लिए उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हाथ में लेना बहुत जरूरी है। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ये मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए सूटेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है उनके पास टाइम भी होता है कि वो इफेक्टिवली काम कर सके डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ में भी, है ना। इट प्रोवाइड्स फॉर फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ वर्किंग एज इट अडैप्ट्स द चेंजेस क्विकली, है ना। और ये एक तरीके से फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ वर्किंग के ऊपर काम करता है, बिकॉज ये अपने चेंजेस को बहुत ही जल्दी अडैप्ट कर लेता है, क्योंकि मैट्रिक्स में चीजें जो है वो धीरे धीरे बदलती रहती है, तो जब भी बदली हुई चीजें आपको उसके अकॉर्डिंग जो है काम करना पड़ेगा। तो ये अडैप्टेशन जितना जल्दी होगा आप उतने अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। तो ये बेनिफिट जो है आपको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाता है। अगला है, द डीमेरिट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज दैट एम्प्लॉइज आर एंगेज्ड इन ड्यूअल जॉब्स एंड आर बर्डनड विद मोर वर्क विद इफेक्ट्स ऑफ द यूनिटी ऑफ कमांड एट टाइम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इसका जो मेजर जो यहाँ पे एक तरीके से इसका डिसएडवांटेज या फिर डीमेरिट बताया गया है वो ये है कि एक बंदा जब एक से ज्यादा काम को करता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों में अपना दिमाग लगाता है, अपने टाइम को इन्वेस्ट करता है, राइट। तो उस टाइम पे अगर आपके पास ऊपर से डायरेक्शन, अगर आपका यूनिटी ऑफ कमांड की यहाँ पे बात की जा रही है, अगर वो चीज नहीं रहेगी तो फिर आपको काम करने में दिक्कत होगा। आपके बॉस ने बोला कि ये काम करो, आपने जब उस पर फोकस किया तो दूसरा काम बेकार हो गया, फिर दूसरे पे फोकस किया तो तीसरा काम बेकार हो गया। तो इस तरह की चीजें जो है देखने को मिलती है जब एक एम्प्लॉई को ज्यादा एंगेज कर दिया जाता है किसी काम में, उसके काम को बढ़ा दिया जाता है, तो यूनिटी ऑफ कमांड जो है उसके ऊपर अफेक्ट करने लगती है उसको काम में, और उसको हर तरफ से गालियां ही मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपने काम को सही टाइम पे पूरा नहीं कर पाएगा।
राइट। सो दिस इज व्हाट मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप आसानी से इसके जवाब को दे सकते हैं। हालांकि कोशिश कीजिएगा कि आंसर को आप थोड़ा सा बड़ा बना करके लिखें। हालांकि ये भी टॉपिक ठीक ठाक है, 5 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा है। 15 प्लस 5 में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, या फिर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 मतलब 20 मार्क्स में भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय, थैंक यू।